गुड इवनिंग गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाइक में। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने एडवांस फिल्टर देखा था, हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर को यूज़ करके हम लोग डेटा को या फिर हम लोग रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने रिजल्ट को गेट किया था, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग मल्टीपल कंडीशन के थ्रू हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको लास्ट टाइम याद भी होगा कि हमने ये ईमेल क्राइटेरिया लिया था, जिसके अंदर हमने जीमेल और हॉटमेल कि मेल आईडी के बेसिस पे हमने इसको फिल्टर किया था, ठीक है। तो आज जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस रहेंगी। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मुझे जीमेल की आईडी जो है वो फिल्टर करनी है, ठीक है। सबसे पहले मुझे फ़िल्टर किसको करना है, जीमेल की आईडी को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार जीमेल। आपको पता होगा कि यहाँ पर हम स्टार जीमेल स्टार क्यों लिख रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इससे आपसे रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले मेरी पहली वीडियो को देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने एडवांस फिल्टर को पार्ट वन जो मेरा बेसिकली लास्ट मैंने बनाया था, तो उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे कि हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज़ करके हम डिटेल को गेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा कि मुझे जीमेल की आईडी फ़िल्टर करनी है, यानी ये मेरी मेन शीट है, इसमें से मुझे क्या करना है, जीमेल की आईडी को फ़िल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, मैं सेकंड कंडीशन चाहता हूँ कि मेरी स्टेटस जो है वो क्या हो, पेंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो क्राइटेरिया हो गई, एक पहली क्राइटेरिया कि मुझे जीमेल की आईडी फ़िल्टर करनी है, लेकिन जीमेल की कौन सी आईडी जिनका स्टेटस पेंडिंग हो। एक क्राइटेरिया और ले लेते हैं, और हमें ये जो क्राइटेरिया पेंडिंग वाला जो है, जिसके अंदर जीमेल की आईडी और पेंडिंग जो आईडी है, वो हमारी रीज़न जो होनी चाहिए वो अमेरिका रीज़न की होनी चाहिए, ठीक है, अमेरिका। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमें हेडिंग्स को कभी भी टाइप नहीं करना होता है, हमेशा रिकमेंड ये किया जाता है कि आप लोग कॉपी करके यहाँ पे क्राइटेरिया को पेस्ट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी रिज़ल्ट जो है एग्जैक्टली आपकी करेक्ट रिज़ल्ट आएगा। होगा क्या कि अगर आपने गलती से भी अगर हेडिंग में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप क्राइटेरिया के हेडिंग्स को लिखने की बजाय आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन क्राइटेरिया है, ईमेल का, स्टेटस का और रीजन का। और मैंने क्राइटेरिया क्या लिया हुआ है, ईमेल के अंदर मुझे कौन सी ईमेल आईडी फ़िल्टर करनी है, जीमेल की आईडी। स्टेटस क्या होनी चाहिए उसकी, पेंडिंग। और रीज़न कौन सा होना चाहिए, अमेरिका, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट वाली शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे अपना रिज़ल्ट को जो है लेकर आना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करके आप सबसे पहले एडवांस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडवांस पे क्लिक किया, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट जो है वो मुझे एक अलग शीट पे निकालनी है, ठीक है। क्योंकि मेन डेटा शीट मेरा यहाँ पे है, और उसके बाद मेरे रिज़ल्ट की अलग से शीट बनाई हुई है, और जो कि मुझे रिज़ल्ट इस शीट पे निकालना है, इसीलिए मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिस्ट रेंज पे जाऊँगा, और लिस्ट रेंज पे आने के बाद मेरा जो मेन रॉ डेटा है उस पे जाके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले मैं हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा, और ड्रॉप डाउन से आपका पूरा का पूरा रॉ डेटा यानी आपका जो डेटा है वो आपको पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज पे जाने के बाद आपको फिर से डेटा शीट पे आना है। क्राइटेरिया आपको याद होगा मैंने इसी डेटा शीट के ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है, ये मेरा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आप शिफ्ट दबा के राइट एरो से हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के रखना है, डाउन एरो से आप अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो क्राइटेरिया के वैल्यूज़ जो हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे क्या, कॉपी टू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने क्राइटेरिया क्या निकाला। हमने क्राइटेरिया दिया था, मैंने कंडीशन क्या रखी थी कि मेरे को
जीमेल की आईडी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो मेल है वो जीमेल की है, ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास आया। दूसरा स्टेटस मुझे क्या चाहिए था, पेंडिंग चाहिए था, तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटस क्या है सबका, पेंडिंग है। और उसके बाद रीज़न क्या है, अमेरिका, यानी अमेरिका रीज़न के अंदर अब देख सकते हैं यहाँ पर सारा अमेरिका आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तीन मल्टीपल क्राइटेरिया लिया है और उसके ऊपर मैंने ये कंडीशन रखी है, मुझे इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे अपना डेटा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी, मतलब विद इन अ मिनट आपने मल्टीपल कंडीशन को यूज़ करके अपने रिजल्ट को गेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखिए, मैंने जैसे इस फिल्टर किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो डेटा है, यानी अगर मैं आपको हेडिंग दिखाऊँ, कंपनी से लेके आपका लास्ट जो हेडिंग है वो क्या है, सेल्स यूएसडी, तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपकी सारी आ चुकी है, मतलब इस शीट के अंदर आ गया है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं नहीं चाहता कि सारी के सारा जो, अगर मेरे को इसमें क्या है कि मुझे यहाँ पे कंपनी का नेम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ये कस्टमर कोड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, जो मैंने यहाँ पे डिटेल लिया कि सिर्फ मुझे ईमेल आईडी चाहिए, स्टेटस चाहिए, रीज़न चाहिए। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जब भी, मैंने यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट जो निकाला है, मैंने यहाँ पे जो रिज़ल्ट निकाला है, इस रिज़ल्ट के अंदर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंपनी का नेम आ रहा है, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था, ईमेल आईडी, स्टेटस एंड रीजन। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है, सेल्स डॉक्यूमेंट आ रहा है, डेट आ रही है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ईमेल, स्टेटस और रीजन चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, और एक डेट भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को डेट भी मेरे पास आ जाए। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैं इस रिज़ल्ट को, मैं पहले इस रिज़ल्ट को क्लियर कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया सारा का सारा। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, स्टेटस, ये रीज़न, ये तो रही मेरी कंडीशन, मुझे इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए, लेकिन मुझे सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे रिज़ल्ट में सिर्फ ईमेल आईडी, स्टेटस, रीज़न चाहिए और डेट भी चाहिए, ठीक है। लेकिन डेट मैं अपनी कंडीशन में नहीं ऐड करूँगा, कंडीशन मेरी यही तीन है, ईमेल आईडी जो है वो सारी जीमेल की चाहिए, स्टेटस मुझे पेंडिंग चाहिए, रीज़न क्या है, अमेरिका चाहिए, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये तीनों चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ रिज़ल्ट वाली शीट के ऊपर, पेस्ट। लेकिन यहाँ पर मुझे इन तीनों की डिटेल चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे डेट भी चाहिए, तो मैं यहाँ से डेट को भी कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी डेट को भी कॉपी कर लेता हूँ, रिजल्ट पाएंगे डेट। यहाँ पे इन, मैंने यहाँ पे चार हेडिंग दी है, ईमेल, स्टेटस, रीजन एंड डेट। अगर मैं ये नहीं देता हूँ तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम पूरा का पूरा डिटेल आ रहा था उसमें, उसमें कंपनी का नेम भी था, सेल्स डॉक्यूमेंट भी था, कस्टमर कोड भी था, बट मेरे को इस टाइम क्या चाहिए, सिर्फ ईमेल चाहिए, स्टेटस चाहिए, रीजन चाहिए और डेट भी चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, फिर से कहीं पे भी क्लिक करो, एडवांस पे जाओ, सबसे पहले लिस्ट रेंज के अंदर क्या करना है आपको, आपका डेटा जो है पूरा का पूरा रॉ डेटा आपको कॉपी करना है, ठीक है, टॉप टू डाउन। क्राइटेरिया रेंज के अंदर जाना है और रेंज के अंदर जाके ईमेल, स्टेटस, रीजन, ये तीनों हेडिंग सेलेक्ट किया और आपने अपने कंडीशन को भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, जबकि मैंने बताया था पहले ही आपको क्लिक करना होता है, अगर आप नहीं करते बाद में, अगर आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है तो आप यहाँ पे भी बाद में आप आ सकते हैं, ठीक है। कॉपी टू पे जाना है, अब आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, ये हेडिंग्स लेनी है। तो अब ये क्या करेगा, आपके मेन डेटा में से, यानी आपकी जो ये मेन डेटा है इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये इन रिजल्ट को निकाल के देगा, ठीक है, बजाय इसके कि सारी और अननेसेसरी डिटेल भी दे, जिसमें कस्टमर आईडी भी था, ठीक है, डॉक्यूमेंट, स्टेटस भी था, तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे ईमेल, स्टेटस, पेंडिंग, रीजन और ही चाहिए। ओके किया, अब आप देख सकते हैं पहले मेरे पास सारी डिटेल्स आ रही थी, लेकिन अभी मेरे पास क्या आ रही है, ईमेल, स्टेटस, रीजन एंड डेट। अब देखो कंडीशन वही सेम चीज़ है, हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन अभी भी वही यूज़ हो रही है, सारी जीमेल की आईडी, पेंडिंग आईडी, अमेरिका की रीज़न की आ रही हैं, डेट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कंडीशन क्या यूज़ किया कि मुझे सारी डिटेल मतलब डिटेल ना चाहिए, मुझे सारी डिटेल तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग्स से रिलेटेड डिटेल चाहिए। तो ये था आपका एडवांस फिल्टर, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल
कंडीशंस लगा के एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।